एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला आया तो क्या 16 बागी विधायक मातोश्री में वापस जा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या शिंदे की कुर्सी चली जाएगी? कोर्ट ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र से सीएम एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में उद्धव ग्रुप की ओर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। नावेरकर ने जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे ग्रुप के शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया है और वही उद्धव ठाकरे ग्रुप की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शिंदे ग्रुप के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस निवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। इनकी दलील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को नोटिस जारी किया जिसमें शिंदे को कुछ विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। ठाकरे ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि शिंदे असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथिया ली है और वह असंवैधानिक सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद शिवसेना नेता महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर द्वारा असली राजनीतिक दल घोषित करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से चुनौती दे दी गई है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे समेत उनके ग्रुप में 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से ठाकरे ग्रुप की याचिका को भी खारिज कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल पिछले साल ठाकरे के खिलाफ शिंदे ग्रुप ने विद्रोह किया था, बाद में ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को जो जजमेंट दिया था उसमें उद्धव ठाकरे को दोबारा बहाल करने से मना कर दिया था, साथ ही कहा था कि स्पीकर के सामने अयोग्यता मामले में केस पेंडिंग है, उसे तार्किक समय में निपटारा किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से सुनील प्रभु ने स्पीकर के सामने आवेदन देकर शिंदे ग्रुप के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की गुहार लगाई हुई थी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।